10:30 की। ये बटन आया है, सिल्वर बटन। तो भाई सारे भाइयों को राम राम। आज ट्रेन करना नहीं है मैंने, आज बेसिकली मेरा रिकवरी का दिन है। डीप टिश्यू करानी है, नीडलिंग करानी है और कुछ लेके आने का भी विचार बन रहा है, बाकी देखते हैं क्या सीन है। भाई ऑटो स्टैंड पे आया था ये सोच के कि कोई ऑटो वाला मुझे ऑटो चलाने देगा, पर अब अफसोस मुझे ऑटो में ही सवारी करनी पड़ रही है। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल सारे चेकअप कराने, वो भी जरूरी है। भाई मेट्रो हॉस्पिटल आए हैं, मैंने कितनी मीटर कितने लोग बीमार हैं, नंबर लगवा रखा है। पर बहन जो 13वां नंबर है उसमें भी खैर जुगाड़ से करवाया, 13वां भी वैसे 24 बनता, वरना बहन चुप खत्म ही नहीं हो गए तेरे लोग। बीपी चेक कराया, बीपी की मशीन ही खराब, उसके बाद पल्स आई उसमें 98। तो भाई मैंने बोला मेरी पल्स इतनी होती ही नहीं है, उन्हें पल्स मीटर दिया वो है फिर 118। राम राम, क्या हाल चाल है? आ रहा हूँ बस एक सेकंड, वो है 118। तो भाई इनके सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं चूतिया, तो अपनों पर क्रॉस चेक कर लिया करो, वरना अगर एकदम से फालतू आएगा तो तुम्हें भी सबको ऐसा लगेगा कि खराब है कुछ ना कुछ। तो भाई अब जा रहे हैं स्कूल, टेस्ट वगैरह करा लिए सारे, रिपोर्ट आएगी शाम को। मतलब मैं तैयारी के टाइम हमेशा टेस्ट कराता हूँ सारे, ताकि पता रहे बॉडी अंदर से क्या रिस्पॉन्स दे रही है, हमेशा वैसे सही होता है पर दिल की तसल्ली के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी स्कूल जा रहे हैं, वहाँ एक बहुत छोटा सा काम है वो करते हैं। चाचा राम राम। चलो भाई लगा लो, ये रही पनीर, ये रहे चावल, चावल तो पत्थर हो गए भाई। ये है पोहा, ये सब था भाई का, पर ये खाऊंगा मैं। तो भाई वापसी जा रहे थे, क्या लेने आए भाई से हम? ये तो तुम बताओ भाई। लेने आए थोड़ा असला बारूद, मतलब उल्टा सीधा नहीं है। तो यार भाई की तरफ तो ध्यान गया नहीं, ध्यान गया मेरा यहाँ पे, तो चलो एक राउंड मारा जाए। 10:30 की पर लेके वैसे तो ये पेड प्रमोशन नहीं है, पर मैं कभी कभार सामान लेता हूँ पीछे से। ये दो डब्बे तो दे देना भाई, इस बात कर रहे हैं सारे मिल जाएंगे आपको। बीस्ट न्यूट्रिशन फ्री का प्रमोशन में, जो फ्री का प्रमोशन। और भाई फ्री में नहीं लेता सामान, पैसे देता हूँ। ओह माय गॉडनेस, ये सारे मेरे हैं। तो भाई वापस निकल गए हैं अहमदाबाद के लिए, रास्ते में एक बारी मेरे को एक भाई से मिलना है और लगे हाथ लोगों को खाना खिलाना है। आदि को बोल दिया कुत्तों को खाना खिला देगा। 4:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, जाते ही ट्रेन करूंगा। तो चलो, तो हम जा रहे हैं कुछ खाना खाने और बाकियों को खिलाने, मतलब इन भाइयों के साथ में बाकी लोगों को। तो अब मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ। अरे ये टूटू मेरी वजह से कर रही है, दोनों की वजह से कर रही है यार, रुको। तो अभी एक अनरिलीज गाना है वो तुम्हें सुनाते हैं भाई, लेट्स गो। आउट मैं पहली बोल पर छोड़ी तेरे गड़े फॉलोवर, मन ने भी फॉलो कर ले रे दिल का मैटर सॉल्व कर, लग 28-47 वेट लगभग लगभग कर देती एक्टिवेट, दिल करता है तक 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 तक, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए फिर ना आए, बस एक छोटी सी विश पूरी हो जाए। और तू जल्दी से दे दे विश तो यही होती है मोस्टली लोगों की वैसे तो, दिल दे दे। चलो छोड़ो, कुछ मीठा हो जाए। तो
नहीं बीरू हटा रही मैं नहीं गाना गाया तो इनके कर कमलों से आया है। अरे 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 मददलाल भाई यूट्यूबर है भाई। अबे तेरे को दिखा नहीं तो बटन किसका लेके आया? इसका नाम नहीं देखा। चलाता हूं मैं आपकी पूरी फॉलोअर है मेरे। क्या चला रहा आपके साथ? आपका तो बहुत दिन है यार नितिन, बहुत बड़ा फोन नितिन जी का। ये रहा मैं बस वीडियो कॉल करके देख, तेरे को यकीन नहीं होगा भाई। तू भैंचू मैं मर गया हूं यार। साथ में कौन है? रजत दलाल भाई। इनका ऑर्डर लेकर आया हूँ मैं। राम राम भाई, 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 भाई। कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना। क्या कहते हैं? प्रेजेंटेड टू। चलो ऐसे ही करते हैं ना अनबॉक्सिंग। हाँ, ये लेटर पढ़ दो ना भाई। ले रहा हूँ भाई। ठीक है आपकी हरियाणा में आ जाने वाली छत्तीस बरादरी वाले टॉप भाई। मेरी मम्मी ने मना करा लड़ने के। छत्तीस बरादरी ऑन टॉप है भाई। चले चेतन भाई। चलो जी। तो भाई ये बटन आया है सिल्वर बटन। अब मेरे को पता नहीं है भाई इसकी वैल्यू वगैरह देखो होती क्या है। देखा है मैंने लोग केक वेक काटते हैं इसे लेके। तो भाई ये जो भी है तुम लोगों की वजह से है। तो जितना मेरा है उतना ही आप सबका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज के लिए। प्यार अपना बना के रखो। मेरे पार्ट में जितना होगा मैं कोशिश करूंगा लोगों की लाइफ इंप्रूव कर पाऊं, कुछ क्वालिटी एड कर पाऊं। बस इतना ही है। मैं ज्यादा सेंटीमेंटी होता नहीं भाई वैसे। चलो थैंक यू। तो भाई सारा सब हो गया। बैग में सामान थोड़ा ऐसा था कि थोड़ी सी दिक्कत हुई पर हो गया फाइनली वो मैनेज। मैं जो 37वें नंबर में हूँ 56 तक जाना है तो मेरे बस की चलना नहीं है फिलहाल। सुबह सुबह ट्रेन करना है जाके। अभी पहुँचते हैं भाई फटाफट। बहुत बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। मतलब वैसे जो हमारी एंट्री होनी थी सबकी ना वो तो देखो हो चुकी है, पर पहले मैं कोक पीऊँगा उसके बाद ही जाऊँगा। तो भाई कोक वगैरह निकल नहीं रही थी तो ये भाई साहब मिले हैं। इनको खैर हिंदी नहीं आती, 96-54 पता नहीं था, पर इन्होंने मेरे लिए फाइनली थम्स अप निकलवा दी। कोक मैंने इसलिए नहीं ली वरना सब कहते कोक ने स्पॉन्सर कर रखा है। यार मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को ना ये लत छूट जाए, पर पता नहीं यार मेरे को कोल्ड ड्रिंक की लत कैसे लग गई है। मतलब मैं पहले नहीं पीता था यार इतना सब कुछ, पर होपफुली मैं धीरे धीरे इसको छोड़ दूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब सब निकल जाते हैं ना और आप आखिरी होते हो और सब आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कब आएगा। तो वो अब आने वाला है। ये फील ही अलग है पता है कि सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम्हारे पहुंचने के बाद प्लेन स्टार्ट होगा। फन है। मतलब मेरी यूजुअली आदत है मैं सबसे एंड में जाता हूँ तो आज भी हम सबसे एंड में ही है। तो ये भाई फोटो लेने आए हैं तो उसका 100 रुपये चार्ज लेते हैं। ये भाई भी है पर इनसे पैसे नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे जाट भाई है। जाट भाई सब पैसे अपने हैं पर कुछ अपने खास है। अभी एक और भाई आया तेरे भाई नाम क्या है? कौन हूँ? इससे पैसे लेंगे 100-200 फ्लाइट उतरते ही 200 उसके 200 तेरे 400। फोन आ गया मेरे एडिटर भाई का कि आपने एंडिंग नहीं करी। तो भाई वो एंड करना भूल गया था। तो भाई मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक तगड़े होने पे ध्यान दो।